ओके चलिए, हम लोग पिछले क्लास में दो मिनट रिवीजन करें, आइडियल सॉल्यूशन एनालाइज कर रहे थे। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब था जो रॉस लॉ को फॉलो करे, लेकिन स्कूल के एग्जाम में जब आएगा तो कहेंगे द सॉल्यूशन विच ओबेज द रॉस लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो PA इज इक्वल टू PA नॉट x से, इसमें भी रॉल्स लॉ का फॉर्मूला लगेगा। अभी मैसेज कोई ना करें प्लीज, सारे लोग समझें। PA इज इक्वल टू PA नॉट x से प्लस PB नॉट x भी। और एक ऐलान यह है, इस संडे को 11 बजे मेरी क्लास है, इस संडे को फिजिक्स नहीं होगी, 11 बजे मेरी क्लास है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उस दिन बहुत और अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं। 11 AM क्लास मत छोड़ना, इस संडे को 11 था। अब आओ, तो रॉल्स लॉ को जो फॉलो करे उसको आइडियल कहते हैं। अब बताओ, आइडियल होने के लिए पहली कंडीशन बताया गया सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, ये आपको बताया गया। और ये इंटरेक्शन को सेम होने के लिए कहा गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का केमिकल नेचर सेम हो, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप हो। अगर आपने एक अल्कोहल लिया है तो दूसरा अल्कोहल ही लें, एक कार्बन का डिफरेंस दें, ये आपको पढ़ाया गया था। दूसरी बात कही गई थी कि बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का केमिकल नेचर सेम, सिमिलर शेप एंड साइज एंड सेम पोलैरिटी। और याद रखिए, हमेशा अच्छे से याद रखिएगा, कोई भी पूछे HCl और वाटर आइडियल है तो कहिए आइडियल नहीं है। क्रॉस क्वेश्चन करे क्या ये आइडियल हो सकता है, तो आप कहेंगे हो सकता है, कम हो सकता है, डाइल्यूट पे। वेरी गुड। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का केमिकल नेचर, गौर से सुनो प्लीज, सुनो अच्छे से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का केमिकल नेचर डिफरेंट हो तो वो आइडियल हो सकता है डाइल्यूट पे। प्लीज सारे लोग दोबारा सुने, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का केमिकल नेचर सेम हो तो ये आइडियल सिर्फ होगा डाइल्यूट पर, क्योंकि डाइल्यूट में सॉल्यूट कम होता है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को हम नेग्लिजिबल मानेंगे। लेकिन जब मेथनॉल और एथेनॉल है, जब केमिकल नेचर सेम है, तो ये हर कंसंट्रेशन पर आइडियल होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक डालिए सारे लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब सुनिए प्लीज, सारे लोग सुनिए, कोई मैसेज मत कीजिए, पहले एक एक पॉइंट को क्लियर कीजिए। देखिए, केमिस्ट्री ये कहता है कि जहां पर बॉन्ड फॉर्म हो, प्लीज सुनिएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन जहां होता है ना, वो एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जहां बॉन्ड बनता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज। और जहां बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एंडोथर्मिक। तो केमिस्ट्री में याद रखिए, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ये थर्मोडायनेमिक्स में भी 11th में पढ़ाया गया। तो सॉल्यूशन की एंथैल्पी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव नेगेटिव आने का मतलब ही हुआ कि पहले और बाद का इंटरेक्शन सेम नहीं है। तो याद रखिए, तीसरा एक और क्या आ सकता है, जीरो। तो याद रखिए, जीरो होना 100% पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोई पूछे आइडियल सॉल्यूशन में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, जीरो। क्यों? पहले का इंटरेक्शन बाद का इंटरेक्शन सेम है,
ना बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इसीलिए पहली करेक्टरिस्टिक है आइडियल सॉल्यूशन में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जीरो, जबकि जनरली एंथैल्पी या तो पॉजिटिव होती है या निगेटिव होती है। लेकिन आइडियल में पहली करेक्टरिस्टिक ये है, लिखना शुरू करें, द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ए जीरो, मतलब डेल्टा सॉल्यूशन जीरो। कोई पूछे क्यों, तो भाई आइडियल का तमाम आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको पहले ये मालूम हो कि पहले का इंटरेक्शन और बाद का इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सेम है। बताइए पहले पॉइंट में किसी को दिक्कत है तो बताइए, जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं किसी को दिक्कत है तो बताइए पहले पॉइंट। सेकंड पॉइंट आइए सारे लोग सुनिए। सेकंड पॉइंट ये है कि एक बात गौर से सुनिएगा, अभी लिखिएगा नहीं, हम लोग टॉपिक ही यही पढ़ रहे हैं कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन दो तरह का होता है, आइडियल और नॉन आइडियल। मान लीजिए इसमें 10 ml ऑफ ए लिया, ध्यान दीजिएगा, दूसरे कंटेनर में आपने 10 ml है, कोई जरूरी नहीं कि बराबर लेना, आप कुछ भी ले सकते हैं। और जब मिक्स किया तो सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया 20 ml। तो एक बात बताइए कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हो रहा है यहां पर दोनों के सम के बराबर आ रहा है। इससे यह साबित हुआ कि डेल्टा वी मिक्स जीरो होगा। तो याद रखिए आइडियल सॉल्यूशन लिखिएगा नहीं, पहले समझिएगा, आइडियल सॉल्यूशन की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वॉल्यूम मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन जीरो। व्हाट डज मीन, इट मींस अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दोनों कंपोनेंट के वॉल्यूम के बराबर आ गया, इससे क्या साबित हुआ कि पहले का इंटरेक्शन और बाद का इंटरेक्शन सेम है। खुद दिमाग लगाइए, अगर बाद का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाए तो मॉलिक्यूल करीब आएगा, करीब होगा तो स्लाइटली वॉल्यूम घटेगा, और अगर बाद का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाए तो मॉलिक्यूल भागेगा, एक्सपैंड होगा, तो वहां वॉल्यूम स्लाइटली बढ़ेगा। आइडियल में पहले का इंटरेक्शन और बाद का इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो वॉल्यूम जो होगा दोनों के सम के बराबर। तो दूसरी करेक्टरिस्टिक्स ये है, ध्यान देंगे, वॉल्यूम मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन इज जीरो, मतलब डेल्टा विच मिक्स जीरो। कोई का इसका मतलब समझा, तो इट मींस, मैं लैंग्वेज में लिखता हूं, इट मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच कंपोनेंट। याद रखो अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने कंपोनेंट के वॉल्यूम के सम के बराबर हो जाए तो तुम कहना आइडियल है, क्यों, ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना घटेगा, एग्जैक्टली सॉल्यूशन का वॉल्यूम दोनों के सम के बराबर। कोई कहे ऐसा क्यों होगा, तो वही लाइन बोलिए, पहले और बाद का इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सेम है। बोलिए यहां तक सबको समझ में आया, सब तक बोलिए, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी राइट बोलिए सारे पॉइंट एक एक। हाँ अरे हाँ, रहबर एक स्टूडेंट है, रहबर साहब को समझ में आ रहा है, रहबर आपका नाम मैं कभी नहीं बोला, मुझे रात में कहा गया कि भाई रहबर भाई आए हैं तो बताइए उनको समझ में आ रहा है। ओके रहबर, थैंक यू। चलिए आगे बढ़े, सबको समझ में आएगा यहां पर।
हाँ तुम यही बोलो तहीन, तुम बहुत भिंगा भिंगा के मारते हो यार, तुम प्रचार करते ही नहीं हो बिहारी। हाँ यहाँ देखें, तीसरा पॉइंट गौर से सुने, तीसरा पॉइंट, एक एक पॉइंट को आगे से पढ़िए गौर से सुनिए। दूसरी बात कही गई वही नाइदर, जो मैंने हेनरी जिला में भी लिखा था, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, याद रखिए। और ये कब होगा ये याद रखो, ये चीज हमेशा याद रखना, कब होगा, जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, जैसे HCl और वाटर जो मैंने कहा, ये आइडियल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आइडियल होगा डाइल्यूट पर, अगर कंसंट्रेटेड होगा तो डिसोसिएशन हो जाएगा। अब डिसोसिएशन होने का मतलब ये हुआ इंटरमोलिकुलर फोर्स चेंज कर गया। बोलिए सबको समझ में आ रहा है, मरियम बानो समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है जिमी भाई, तो तीसरी कंडीशन नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। अरे कुछ तो बोलिए सारे लोग, एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड वेरी गुड। अब यहां ध्यान दें, चौथी बातें, ये सिर्फ नीट और जी के में आएगा, देखो गौर से सुनो अच्छे से। थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा एच पढ़े, इंट्रोपी पढ़े और गिब्स फ्री एनर्जी, सारे लोग सुने गिब्स फ्री एनर्जी, प्लीज जो लोग आ रहे हैं लेट से क्यों आपने ताली आए करें, यहां देखो तो डेल्टा एच का साइन जीरो, प्लीज अच्छे से सुनना, बोर्ड में डेल्टा एच और डेल्टा भी पूछेगा बोर्ड के सिलेबस में, कंपटीशन में चार चीज पूछेगा, गौर से सुनना, एक वर्ड आता है क्योंकि इलेवेंथ बहुत सारे लोगों का कमजोर है, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या चीज को मेजर करता है? रैंडमनेस को। अगर आपने एक एक सॉल्यूशन बनाया तो पहले ये अकेला था, जैसे सॉल्यूशन बनाते हैं ना तो सॉल्यूशन बनाने में रैंडमनेस बढ़ती है, रैंडमनेस का मतलब हुआ उधर उधर भागना, गैस, जैसे गैस को समझ लो, गैस का रैंडमनेस ज्यादा है, एंट्रोपी ज्यादा है। अरे बोलिए रैंडमनेस की मीनिंग सबको समझ में आई? दिस हाँ, जैसे गैस देख लो, गैस में रैंडमनेस ज्यादा है, इधर उधर भागना, रैंडमनेस फ्री मूवमेंट, फ्री मूवमेंट, क्लियर है? आप सुनो अच्छे से, जब कोई चीज को मिक्स करके तुम सॉल्यूशन बनाओगे ना तो रैंडमनेस बढ़ेगी, सॉल्यूशन का मतलब ही हुआ होमोजीनियस मिक्सचर। तो याद रखो, चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल, डेल्टा एस का साइन हमेशा पॉजिटिव, चाहे आईडी, बहुत सारे स्टूडेंट क्या लिखते हैं जीरो, क्योंकि उनको रटा रहता है डेल्टा जीरो, रे बिहारी इसमें कंसेप्ट है, एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस, आइडियल क्या एक सोल्यूशन है, नॉन आइडियल क्या एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन जहां बनेगा रैंडमनेस बढ़ेगा, बताओ क्लियर हो कोको टाली, जल्दी बताओ, रैंडमनेस बढ़ेगा, बोलो सबको समझ में आया? ए अल्लाह कोई बोल ही नहीं रहा यार, तुम लोग यार कुछ भी वाहवा नहीं करते हो, वाहवा करो तो मुझे पढ़ाने में मजा आए। राबर भाई बताते रहिएगा, आपकी बहुत खुशी रहे राबर भाई, कुछ अगर ना समझ में आए तो अस्या सिद्दीकी, कुछ आ रहा समझ में? अब आइए पांचवी चीज, वेरी गुड, पांचवी चीज ये है कि आपने गिब्स फ्री एनर्जी का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़ा होगा। अच्छा जो है पूछ रहा है क्यों बढ़ेगा, रे गुंडा
थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया गया रे बिहारी, यहाँ है एक कंपोनेंट है तो सिर्फ इसकी रैंडमनेस होगी, यहाँ बी कंपोनेंट है इसकी रैंडमनेस होगी, जब मिक्स करोगे तो रैंडमनेस और बढ़ेगा। तुम अकेले हो दो तीन और आदमी आ जाएगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा। इलेवेंथ में पढ़ा दिया गया फिर भी पूछता गुंडा कहीं का बिहारी सब कुछ है तू, जाके देखना नोट में वहां एक वर्ड लिखा था डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब मिक्सिंग, एंट्रोपी का साइन पॉजिटिव। इलेवेंथ पूरा डिटेल में पढ़ाया गया भाई। यहां देखें डेल्टा जी, तो एक बात सुनो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस किसको कहते हैं? जो अपने आप हो जाए, विच डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी। तो सॉल्यूशन का बनना एक स्पॉन्टेनियस है। देखो ये दोनों साइन एंट्रोपी और डेल्टा जी का साइन हमेशा सेम रहेगा, चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल हो। डेल्टा जी क्या बताता है? स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी का साइन नेगेटिव। तो सॉल्यूशन का बनना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, दैट द रीजन यहाँ डेल्टा जी का साइन नेगेटिव हुआ। बताओ सबको समझ में आया? कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। तो ये दोनों साइन सारे सॉल्यूशन में सेम रहेगा। वलीद वलीद यार तुम तो कुछ बोलो। अल्लाह अकबर क्या हो गया भाई। एक मिनट सारे लोगों ने लिख लिया यहाँ तक। अच्छा चलो आइडियल की करैक्टरिस्टिक्स में कोई दिक्कत है तुम्हें? बोलिए लिख लिया सारे लोग? चलो आइडियल के बारे में, इतनी सारी बातें याद रखो। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो अच्छे से पढ़ा होगा वो उस क्वेश्चन को करेगा। क्वेश्चन लिखो सारे लोग। ये ग्राफ है, जो राउल्स लॉ का ग्राफ होगा वही आइडियल का होगा। पीएस का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये है मोल फ्रैक्शन एक्स ए, एक्स ए जीरो XA1, XB0, बताया था आपको। CB0, और यहां PA0। ये आपके पास PA है, ये आपके पास PB है, ये आपके पास PA। हमने एक परपेंडिकुलर यहां तक ड्रॉ किया। देखो आपको किस तरह थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन में। और इसका नाम मैंने क्यू और आर रखा, और यहां पी लिखा, और ये पी टोटल मान लो, पी टोटल का मतलब पी, और यहां एस लिखा। तुमसे पहला ऑप्शन पूछेगा क्यू आर इज इक्वल टू, चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं, इज इक्वल टू ए ऑप्शन क्यू क्यू पी प्लस एस पी प्लस एस आर, बी ऑप्शन
एस आर प्लस पी आर, सी ऑप्शन एस आर प्लस एस पी, डी जिसको नहीं आए तो वो लिख दोगे कैन नॉट डिटरमाइन, डी ऑप्शन है कैन नॉट डिटरमाइन। अब देखो जो अच्छे से पढ़ा होगा वो आंसर दे। हाँ वेरी गुड मोहम्मद साहब, वेरी गुड, ताहिद भी का आंसर ठीक है, तबस्सुम, कहकशां, हदीजा, हदीजा, दरक्षां, तनफ, रहबर भाई आंसर दीजिए, नायला कमर, नायला कमर, अरे वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। जहर भाई आंसर दें, वलीद भाई, मुश्तबा, मुश्तबा भाई कहाँ है, अदनान भाई अगर आए हैं तो बताएं, आंसर दें, अरीज, ठीक, सबका आंसर सही, अच्छी बात, मुझे उम्मीद था कि आप लोग का दिमाग कम है। आंसर इज बी इज करेक्ट, ये मैथ नहीं है कि मैथ नहीं है कि पूरा को जोर देंगे मैथ की तरह, बिहारी कहीं का गुंडा समझा के, इसका मतलब कुछ पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग, सुनो सारे लोग, दिमाग तो लगाए नहीं, सुनो अब एक्सप्लेनेशन। पहले सारे एक मिनट सुनो, सारे लोग ये बताओ ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है या नहीं, जल्दी बोलो, ये राउस लॉ को पहले बताओ सारे लोग, क्या ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, क्या ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है या क्या है, यस, क्योंकि राउस लॉ का है तो आइडियल का भी। एक बात बताओ सारे लोग सुनो, P total, आप प्लीज दो मिनट रुक जाओ, मेरे एक्सप्लेनेशन सुनो, P total should be equal to PA plus PB। अब बताओ यहाँ सारे लोग सुनो अच्छे से, मैसेज मत करो, यहाँ से यहाँ तक P total है तो P total कितना है QR, बताओ P total QR है, सबको समझ में आया, Q से लेकर R, यहाँ से यहाँ तक P total, बोलो क्लियर है, अब बताओ, अब सुनो पी ए, सुनो इधर पी ए, पी ए कितना है यहां से लेकर यहां तक तो पी आर, पी बी कितना है यहां से लेकर यहां तक एस आर, देयरफोर दिस इज द आंसर, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, सबको समझ में आया कि नहीं, ठोको ताली ठोको ताली ठोको, वाह वाह वेरी गुड, देखो एक छोटे से क्वेश्चन में तुम लोग फंस गए, ठोको ताली, राबर भाई आपको समझ में आया कि नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम हर दिन नोट्स को पढ़ो, नोट अच्छे से तैयार करो, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ये मैथ नहीं है कि इतना लेंथ है ना QP प्लस PS प्लस SR, मुझे लग रहा था कि लोग यही आंसर देगा, समझ में बात आ रही है ना, ये मैथ नहीं है ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री, इंबेसाफ सर है यहाँ, इंबेसाफ सर का क्वेश्चन। हाँ चलो बताओ सबको बजा है, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, जो है समझ में आया, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड, इससे देखो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई बात नहीं है, ऐसे ही तुम लोग गलत भी बताए कोई बात नहीं है, अब एग्जाम में गलत मत कर देना। चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो, नेक्स्ट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन,
नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, 10 सॉल्यूशन मैं लिखा रहा हूं, जल्दी लिखो 10 सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे द रूल्स नाउ। 10 सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे द रूल्स नाउ। 10 सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे द रूल्स नाउ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। The solution which does not obey the Raoult's law over the entire range of concentration। स्कूल के एग्जाम में लिखने को है तो पूरी तरह इस तरह लिखना। हाँ, डायरेक्ट कहने का मतलब यही है जो के Raoult's law को फॉलो ना करे वो नॉन आइडियल है। अलीजान सारी समझ में आ रहा है? अलीजान सारी, शाहिद शाहिद आए हैं क्या? टॉमी मेरे टॉमी टॉमी गुंडे आए हैं टॉमी? अरे वाह शाहिद, तुम आए हो यार, माशाल्लाह यार, बहुत खुशी हुई यार। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो यहाँ देखो डिफिनेशन सारे लोग लिख लिए। द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे द रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब PA not is equal to PA not XB, PB not is equal to PB not XB, PS not is equal to PA not XA plus PB not XB। ये लिख लो सारे लोग, जल्दी लिखो। अब इस पर तकरीर बहुत अच्छी होगी, इसके एग्जाम्पल को कैसे याद करोगे ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज सारे लोग सुनना अच्छे से। तो नॉन आइडियल इसी को कहते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे। एग्जाम में अच्छे से लिखोगे ओवर इंटायर रेंज, ये बात आना चाहिए। चलो अच्छी बात, अब ध्यान दो टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे सुनो, लिखना मत, जैसे 11th में भी 9-9, आज की तकरीर पहले खत्म नहीं होगी, मेरी क्लास ऐसे भी बहुत कम होती है, फिजिक्स की 1.5 घंटा होती है, मेरी तकरीर 6:30 में खत्म होगी, 6:35 में, आज तो 6:35 में खत्म होगी। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल, देखिए सारे लोग गौर से सुने, नॉन आइडियल 11th में भी यही था, याद करो मैं तो तुमको 11th से रिलेट कराता, रियल गैस के बारे में यही था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन, कुछ याद आया? रियल गैस में पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन, कुछ याद आया? हाँ वाह वाह, तुम लोग बहुत यार, लगता सब टॉपर है यार, सबको याद आ गया, भले नहीं आता हो लेकिन याद सबको है। अब आओ नॉन आइडियल दो तरह का, नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अरे आज अनस नहीं आएगा, अनस खान, भवेल 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 जो भी हो, योगेश आए हो क्या? पॉजिटिव डिविएशन, अच्छा भवेल आया माशाल्लाह, पॉजिटिव अनस शायद लगता नहीं आया, वरना वो तो बहुत महसूस करता है। हाँ लिखो नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, एकदम देखो इस पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। बता यार तुम क्या लिख रहा है बिहारी, इसको समझ बिहारी गुंडा, इसको समझ ले, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, लिख लिए सारे लोग? चलो चलो अच्छी बात है। अब आ जाओ सारे लोग, ध्यान देना, टॉपिक डालो नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अच्छा देखो अब 5 मिनट तक कुछ भी मैसेज नहीं करना, प्लीज सुनो सारे लोग, सुनना अच्छे से सुनना प्लीज। वो ये है नेगेटिव डिविएशन में, इसको अगर पढ़ लिए तो पॉजिटिव जस्ट उसका उल्टा है,
घर पर एक को पढ़ो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। प्लीज अभी कुछ भी मैसेज नहीं करना, बंद दो। नेगेटिव वे कौन सा स्टूडेंट है जो आता रहता है जाता रहता है, अल्लाह रहम करे इस पर। यहां देखें, मान लो क्लोरोस है, प्लीज सुनो अच्छे से, सुनो लिखना मत। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला ये है, एकदम धीरे से समझा रहा हूं, इंशाल्लाह किसी को नौबत नहीं आएगी दोबारा पूछने की। यहां देखो, क्लोरोफॉर्म में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, वीक है, वीक फोर्स है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ना OH है, ना NH है, ना FH है। अब आओ, एसीटोन, ये एसीटोन है, सिर्फ एसीटोन को देखो, इसमें भी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। सारे लोग एकदम बोर्ड को देखो, मेरा हाथ दिख रहा है, हेलो, हाय हाय, टाटा, दिख रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो, हाथ दिख रहा है, वाह 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 वाह, वेरी गुड, अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो अब हो गया, वाह वाह, ठीक, अब सुनो अच्छे से, हाँ अब सुनो, तो एसीटोन में भी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, प्लीज सुनना अच्छे से, इसमें भी वीक फोर्स हो, मतलब ये कि मिक्सिंग से पहले का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, ये अकेला फोर्स वीक, ये भी अकेला फोर्स वीक। जैसे ही मिक्स किया, तो जैसे ही मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया, तो बताओ जैसे ये एक था, जैसे सॉल्यूशन बनाया तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बना। तो पहले का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बाद के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बराबर नहीं है, पहले का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, मिक्सिंग के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। क्लियर है? तो याद रखो, पहले का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और बाद का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहां देखें सारे लोग, यहां तक एक दफा बताओ, यहां एक दफा बताओ, यहां तक क्लियर है कि पहले का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर था, बाद का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो गया। हाँ ठीक है ठीक है, अली भाई, एक दफा चलो एक दफा और समझा देते हैं, गौर से सुनिए, अच्छे से समझिए। मान लीजिए ये क्लोरोफॉर्म है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देंगे, अभी एक एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये सॉल्वेंट है, मान लीजिए सॉल्वेंट है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन कमजोर है, वीक है। अब आइए एसीटोन को आप मान लीजिए सॉल्यूट, इसमें भी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, मैं लिख लिख के कर रहा हूं। तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन भी कमजोर है, जैसे मिक्स करके आपने अलीजा सॉल्यूशन बनाया, तो देखिए दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, तो सॉल्यूशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पहले के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग हो गया। क्लियर यहां तक? अलीजा बताइए, मिक्सिंग के बाद का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो गया। क्लियर है यहां तक सबको? अब मैं डिफिनेशन बता रहा हूं, और सुनो अच्छे से, अब ध्यान दें इधर। तो खुद सोचो, जब मैं पढ़ा चुका हूं, अगर सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाए, तो बताओ सारे लोग, क्या वेपर फेज में आसानी से जाएगा कि मुश्किल से? बताओ, क्या ये वेपर फेज में आसानी से जाएगा? हाँ, मुश्किल से जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बाद का इंटरमॉलिक्यूलर, देखो सॉल्यूशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो गया, अब ये डिफिकल्ट से जाएगा वेपर फेज में,
इसीलिए इसका वेपर प्रेशर घटेगा, इसलिए नामकरण निगेटिव कम हो गया। तो डिफिनेशन क्या कहेंगे, गौर से सुनो, अच्छे से गौर से सुनो, कहेंगे द सोल्यूशन विशोर मैं न्यूमेरिकल करा के भी समझाऊंगा, विशोर लोअर एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, किससे डैन द वेपर प्रेशर द सोल्यूशन विच शो लोअर एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर डैन द वेपर प्रेशर विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम रॉल्स लॉ, यानी आइडियल से कम हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में ये समझो, इज कॉल्ड नेगेटिव डिविएशन, आइडियल से कम हो जाएगा। क्यों? आइडियल का मतलब होता पहले और बाद का फेज। अगर सॉल्यूशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो गया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, आइडियल से कम, कॉल नेगेटिव डिविएशन। मरियम परवेज समझ में आ रहा है, मतलब ये पी एक्सपेरिमेंटल लेस देन पी कैलकुलेटेड किससे, फ्रॉम रॉल्स लॉ। मैं जब अब हाँ तो याद रखो, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता। अब कोई पूछे पहले बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं, तो नेगेटिव डेविएशन की क्या पहचान है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इस पॉइंट को सारे लोग सुनो, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर दैन, प्लीज सुनो, इज स्ट्रॉन्गर दैन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। तुम इसी पॉइंट पर जोर देना, नेगेटिव डेविएशन का कॉज, कोई पूछ दे व्हाट इज द कॉज ऑफ नेगेटिव डेविएशन, तो आप कहिएगा कि सॉल्यूट सॉल्वेंट जैसे ही दो कंपोनेंट को मिक्स किया तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, तो इसका वेपर प्रेशर आइडियल से कम हो जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा नेगेटिव डेविएशन। बोलो, ताली ठोको, समझ में आया? राहदार, अलीजा, सबको समझ में आया कि नहीं? जुनैद चौधरी, जल्दी बोलो। बहुत बेहतर, वाह, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, अच्छी बात है, माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह। सुबह को भी आ गया, माशाल्लाह। चलिए मैं एक दफा और रिपीट कर देता हूं, एक दफा और, कि अगर चलो पहले लिखो, इसको मैं मिटा देता हूं, ध्यान देना, एग्जाम्पल को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान देना, बस तुम एक लाइन पर जोर दो। पहले तो उसके नीचे लिख लो पी एज टू पी ए नॉट एक्स ए, पी बी लेस दैन पी बी नॉट एक्स बी, पी एस लेस दैन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, लिख लो सारे लोग। ये नेगेटिव डेविएशन हो गया, बराबर होता आइडियल होता। अब आओ एक एक पॉइंट रिमार्क, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब सारा जोर इसी पॉइंट पर देना प्लीज एंड प्लीज, नेगेटिव डेविएशन का सारा आंसर इसी से आएगा। इन नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर दैन सॉल्यूट, प्लीज एंड प्लीज, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, यही लाइन पर पीएचडी करोगे सारे लोग। अरे जुनैद चौधरी, तुमको आ रहा है कि नहीं समझ में? असिया सिद्दीकी, कुछ आ रहा है आपको? अलीजा, अलीजा सबकी रिस्पॉन्ड करें। दोबारा याद रखिए, कोई कहे नेगेटिव वजाहत बोलना आ रहा है, आ गया है तो आ रहा है। अच्छा, वाह वाह सिया सिद्दीकी, क्या डायलॉग मारी है आप। अच्छा, एक जरूरी ऐलान,
एक जरूरी ऐलान। पहला जरूरी ऐलान, संडे को मेरी क्लास होगी 11 बजे और बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है वो। दूसरा ऐलान बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ, देखिए लॉकडाउन है, सबके यहाँ परेशानी है, आप लोग भी कोचिंग का कुछ ना कुछ फीस तो जमा कीजिए। आपसे पूरी फीस नहीं मांगी जा रही है, आधी फीस भी नहीं मांगी जा रही है, कुछ तो फीस जमा कीजिए। हम लोग के घर में भी तो ईद है, सारे टीचर यहाँ खर्चा उर्चा भी तो होता है, तो इसलिए आप लोग प्लीज एंड प्लीज, इस बैच को बहुत ज्यादा हो गया, 1 महीना से ज्यादा हो गया, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरा फीस जमा कर दें, पेटीएम वगैरह का नंबर डाल दिया गया है, तो आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, ये ऑर्डर नहीं है कि मजदूर का पैसा उसके पसीने के खुश्क होने से पहले दे दो। हम लोग मजदूर हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, तो कुछ ना कुछ जमा कर दो, तुम सबसे रिक्वेस्ट है पर्सनली, समझे। तो हम जानते हैं कि देखो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे घरों में परेशानी होगी, हर जगह कुछ ना कुछ परेशानी होगी, हम इस बात को जानते हैं, तो कुछ ना कुछ जमा कर दो। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, किसी को पैसा ना जमा करने पर भी किसी को निकाला नहीं जाएगा, हम लोग अपना इखलाक खराब नहीं करेंगे, आपको क्लास करने देंगे, लेकिन आप लोगों से भी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि प्लीज कुछ ना कुछ जमा कर दो। उसके बाद तुम देखोगे और अच्छे से समझ में आएगा, मेरा डायलॉग तो तुम्हें मालूम ही है, तुम पैसा दोगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलो चलो कोई बात नहीं है, तो सबसे रिक्वेस्ट है जिसको बहुत परेशानी है, हम किसी को क्लास से बाहर नहीं करेंगे, ये वादा है आपको। बस आपका ईमानदारी है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके जमा करते रहिए, कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, टीचर पर यकीन बनाए रखिए, धोखा नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। आप ये मत समझिएगा कि धोखा हो जाएगा, खुदा की कसम धोखा नहीं होगा, जान दे देंगे, पूरा सिलेबस खत्म करके दिखाएंगे आपको, टाइम पर खत्म करेंगे। तो वो दिल में ये सब बात आप हटा दीजिएगा, आपको भी सिलेबस की फिक्र है, उससे ज्यादा हमें भी फिक्र है। चलिए अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए वेरी गुड। तो नेगेटिव डिविएशन का सबसे की लाइन, सबसे की लाइन सॉल्यूट सॉल्वेंट, सबसे रिक्वेस्ट है ध्यान दो इस लाइन पर कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर। सर हम एग्जांपल को कैसे याद करेंगे वो हम बताएंगे आपको। चलो रिमार्क्स का सेकंड पॉइंट डालो रिमार्क्स का। हाँ एतबार बनाओगे और तुम्हें अच्छी पढ़ाई मिलेगी। चलो सेकंड पॉइंट, अब देखो एक एक करके आंसर देना प्लीज। देखो तुम लोग सारे लोग बताओ, बात का इंटरेक्शन स्ट्रांग है, तो तुम लोग अभी बताओ, सारे लोग बताओ, यहां जो था सारे लोग बताओ, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कि ब्रेक हो रहा है, जल्दी बताओ, देखिए फॉर्म हो रहा है कि ब्रेक हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, वेरी गुड, वाह बजाओ ताली माशाल्लाह सुनो इधर। तो सॉल्यूट, हाँ एक मिनट, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन का स्ट्रॉन्ग होना इस बात को साबित किया कि बॉन्ड बन रहा है, और जहां बॉन्ड बने डेल्टा एच का साइन नेगेटिव, तो ये रट के मत पढ़ना, लॉजिक याद रखो, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो ये एक्सोथर्मिक होगा, डेल्टा एच जीरो होगा तो आइडियल होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो नॉन आइडियल में कौन सा, नेगेटिव डेविएशन। बोलो आया समझ में, जल्दी बोलो। लिखो द इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव,
एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक डेल्टा एस सॉल्यूशन लेस देन जीरो। अब इस सेकंड पॉइंट के नीचे एक स्टार पॉइंट डालो। अब सुनो अच्छे से, अब एक स्टार थर्ड पॉइंट मत डालना, इसी पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सुनो, जिसका कंसेप्ट क्लियर है। अब इसके बेसिस पर चार सब क्वेश्चन बनाएगा, ये तो सब याद कर लेता है डेल्टा से नेगेटिव। कोई पूछे क्यों, तुम एक लाइन पर पीएचडी करो कि बात का इंटरेक्शन पहले के कंपैरिजन में स्ट्रांग है। जब बॉन्ड स्ट्रांग बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ये केमिस्ट्री कहता है। अब आओ गौर से सुनना, गौर से सुनना। मान लो ये कंटेनर है, प्लीज सुनना, इसमें ए है, दूसरा कंटेनर बी है, इसमें लिक्विड ए है लिक्विड बी है, सुनते रहना प्लीज। तुम मिक्स किए, सॉल्यूशन बनाए, तो सॉल्यूशन जब तुम देखे तो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा वार्मर लगा, वार्मर, तुम वार्मर वार्मर क्यों हुआ, इसलिए कि देखो डेल्टा सॉल्यूशन रिलीज, एनर्जी रिलीज हुई होगी तो थोड़ा सा वार्मर। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा इफ द सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट, टू कंपोनेंट, टू कंपोनेंट इज रिलेटिवली, इज रिलेटिवली वार्मर, वार्मर। तो आपसे बोर्ड में पूछ देगा या ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो तुम पहला नॉन आइडियल, आइडियल ना वार्मर होगा ना कूलर होगा, ठंडा ठंडा, कूल कूल, यहाँ वार्मर। तो वार्मर का मतलब देन इट शोज नेगेटिव, देखो तब क्वेश्चन भी बना है, देन इट शोज नेगेटिव डेविएशन। बजाओ ताली, समझ में आया कि नहीं, ये वाला लाइन समझ में आया। देखो डेल्टा से नेगेटिव है, हीट रिलीज होगी, मिक्स करने के बाद थोड़ा सा वार्मर होगा, रिलेटिवली वार्मर, देन इट शोज नेगेटिव डेविएशन। बताओ ये लाइन सबको समझ में आया, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो ये सब पॉइंट को याद रखो, एग्री ऑब्जेक्टिव आपसे अच्छे से होगा। रबर भाई बोलते रहिए आ रहा है कि नहीं, अक्षिया सबको आ रहा है कि नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी गुड, बहुत अच्छे रबर, बहुत अच्छे वेरी गुड। चलो चलो तो एक बात सुनो, हम एक तरीका बता रहे हैं, अब डायलॉग मारिया अच्छा से जी, अब डायलॉग भी मारिए, यहाँ देखिए वलीद वलीद आ रहा सबको। अब सुनो, नेगेटिव डिविएशन पर पीएचडी करना है, नेगेटिव डिविएशन पर पीएचडी करना है तो एक ही लाइन पर, एक ही लाइन पर तुम पीएचडी करो, वो है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का स्ट्रांग हो जाना। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो जल्दी से, को ताली ताली ठोकते रहो, जहां पर रहा टेबल पर मारो ठोको ताली। थर्ड पॉइंट लिखो, वॉल्यूम वॉल्यूम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव, डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव। कोई कहे क्यों, तो क्यों का आंसर है पहला पॉइंट, पहला पॉइंट सॉल्यूट सॉल्वेंट स्ट्रांग हो गया, मॉलिक्यूल करीब हो जाएगा, मतलब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच कंपोनेंट। चलो इस पर मैं एक एग्जांपल करके सिखाता हूं आपको, इसका मतलब मैं सिखाता हूं। इस 10 ml लिखना शुरू करो, 10 ml आपके मिक्स्ड विथ 10 ml ऑफ बी टू फॉर्म 19.5 ml ऑफ सॉल्यूशन,
आपसे एग्जामिनर पूछ देगा व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, बताओ सारे लोग क्या ये आइडियल होगा कि नहीं, जल्दी बताओ क्या ये आइडियल होगा। हाँ वाह अच्छा मसीह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्यों नहीं होगा, 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 20 होना चाहिए। देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम है तो देखो बोर्ड लेवल पर ऑब्जेक्टिव पर इसी तरह का नाम सब पूछ देगा, तो तुम क्या कहोगे, डेल्टा वी मीन लेस देन जीरो है, नेगेटिव डेविएशन है। बजाओ ताली बजाओ ताली। हाँ एहसान वेरी गुड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। हाँ हाँ खदीजा मैं बहुत अल्लाह ताला गैर से ताकत दे देता है कि तुम पढ़ाओ अल्लाह तरक्की देगा, रोजा रख के पढ़ाओ तरक्की देगा, बच्चों का ख्याल रखो तरक्की देगा, बस बच्चे काम ये करें कि थोड़ा थोड़ा फीस दे दें तो और अच्छा होगा। वेरी गुड वेरी गुड, चलो चलो एक लास्ट लाइन उसके बाद छुट्टी, एक लास्ट लाइन उसके बाद छुट्टी। हाँ वेरी गुड खदीजा वेरी गुड। हाँ अच्छा एक दफा और एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट सुनो, ये वाला लाइन सबको इंपॉर्टेंट, सबको समझ में आया ये वाला लाइन। हाँ और याद रखो सब लोग समझो, नेगेटिव डिविएशन का सारा लाइन किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का स्ट्रांग होना, एवरी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का स्ट्रांग होना। तुम इसी पर पीएचडी करो, इन सब को रट रट के मत पढ़ना वरना भूल जाओगे, की लाइन है सॉल्यूट सॉल्वेंट का स्ट्रांग होना। चलो अब सुनो अच्छे से, ध्यान देना प्लीज सुनो अच्छे से, डेल्टा एस पॉजिटिव ही होगा, डेल्टा जी नेगेटिव, ये दोनों साइन हमेशा सेम रहेगा, जल्दी लिख लो, ये दोनों साइन हमेशा सेम रहेगा, आइडियल में नॉन आइडियल में भी एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। नहीं नहीं एक लाइन और यार, तुम लोग बहुत छुट्टी करते, एक लाइन और जल्दी लिखो, ये समझ में आया जल्दी बोलो, डेल्टा एस मिक्स डेल्टा जी मिक्स ये दोनों सब में सेम रहेगा। हाँ वेरी गुड, अब सुनो अब आया इंतजार की घड़ी, वो ये है कि सर हम एग्जाम्पल को कैसे याद करेंगे, तो बस आज एक ट्रिक्स देंगे, नेक्स्ट क्लास में तीन ट्रिक्स देंगे, तो जो लेट से आएगा उसका ओम नमः शिवाय हो जाएगा। लिखो एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव डिविएशन, कैसे तुम झुलझुल के मत याद रखना, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, पहला एक पहला कैसे याद रखो सुनो अच्छे से, पहला कैसे याद रखो प्लीज प्लीज सुनो, मैं नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखूंगा, पहले सुनो अच्छे से, स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर का तमाम एग्जांपल नेगेटिव, और पूरी केमिस्ट्री में 6 एसिड स्ट्रॉन्ग है, 6 एसिड, 6 के अलावा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, सुन लो अच्छे से, तुमको एग्जामिनर दे देगा HCl प्लस वाटर नेगेटिव, क्यों गौर से सुनो प्लीज, 2 मिनट रुक जाना, HCl वाटर निगेटिव डिविएशन होगा कागा होगा, वो तो कह क्यों, तो पहले लॉजिक दो, बात का इंट्रैक्शन नहीं, नो डिसोसिएशन, चुप चुप बिहारी लोग चुप, पहले बात का इंट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, कैसे स्ट्रांग होगा, देखो H3O प्लस Cl माइनस, अब देखो H3O प्लस और Cl माइनस में आयनिक बॉन्ड के टाइन और एनाइन के बीच में स्ट्रांग इंट्रैक्शन, पहले से स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, बोलो ठोको ताली ठोको, अब रख के नहीं पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर का एग्जांपल जहां भी रहे, हाँ
स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस बाकर जहां भी रहे तुम कहोगे निगेटिव डिविएशन, तो ये आयनिक है, कुलम्बिक फोर्स। आजम सर जैसी शख्सियत ने तुमको पढ़ाई होगी कि टाइम और एनाइन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलो ताली छोको यार। तो पूरी केमिस्ट्री में छह एसिड स्ट्रॉन्ग है। जैसे देखो HNO3 प्लस वाटर, तो देखो NO3 माइनस प्लस H3O प्लस। अल्लाह अकबर, इसमें भी देखो बिहारी लोग आयनिक इंट्रैक्शन, आयनिक आयनिक, ठोको ताली ठोको ठोको। तो यह है निगेटिव डिविएशन, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर के एग्जाम्पल। कोई बोल ही नहीं रहा यार, तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो यार। राबर समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ वाह वाह। अरे साकिब तुमको आ रहा समझ में? साकिब अब देखो, बहुत बेहतर। चलिए आज इतना ही। बाखुरुद दवाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा नेक्स्ट क्लास टाइम पर आओगे? अभी इसमें और शॉर्ट ट्रिक है। हाँ नेक्स्ट क्लास टाइम पर आओगे? ओके।